हेलो स्टूडेंट्स, हम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिनको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 7। ओके, ऑन पेज नंबर 28। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देखिए, डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं, जो क्या बताते हैं, नाउन के बारे में। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा ए फैट वुमेन, तो वुमेन क्या है, एक नाउन है। ठीक है, ठीक है, वुमेन क्या है, नाउन। तो यहाँ पे देखिए, नाउन से पहले बताया जा रहा है वो वुमेन कैसी है, फैट है, यानी मोटी है। ठीक है, ए बिग कार, तो यहाँ पे कार क्या है, नाउन। तो कार से पहले क्या आ रहा है, बिग, तो एक बड़ी कार। ठीक है, ए टॉल बॉय, बॉय क्या है, नाउन। नाउन से पहले आ रहा है ए टॉल, यानी उसके बारे में बताने में बॉय कैसा है, लंबा है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। तो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं वो नाउन के बारे में क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। नाउन की विशेषता बताते हैं कौन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स। ओके, यहाँ लिखा है द वर्ड्स फैट विग टॉल एंड ओल्ड डिस्क्राइब द नाउन्स गर्ल कार बॉय एंड मैन, दे आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव। ये क्या है, सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है यहाँ पे ए वर्ड डेट डिस्क्राइब्स ए नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। वे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में हमें कुछ बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। वी कैन ऑल्सो से डैट एन एडजेक्टिव इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम एडजेक्टिव को और क्या कह सकते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन है ये। ओके स्टूडेंट्स, यूजुअली ए डिस्क्राइबिंग वर्ड इज यूज बिफोर ए नेमिंग वर्ड, बट इन सम केसेस इट इज़ यूज आफ्टर ए नेमिंग वर्ड। ज़्यादातर क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नाउन से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी ये नाउन के बाद भी आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव के बारे में, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, ये लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो हमें इन बॉक्स में से देख के यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है द गर्ल इज, हम यहाँ लिख सकते हैं द गर्ल इज ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द लेमन इज, लेमन कैसे होते हैं, आपने टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा, खट्टे होते हैं लेमन, है ना, नींबू जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे लेमन इज, यहाँ लिखेंगे सोर, एस ओ यू आर, सोर। ठीक है, सोर यानी खट्टे, टेस्ट में कैसे हैं, खट्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्काई इज, स्काई कैसा होता है, ब्लू, ब्लू होता है ना। आई हैव डैश टीथ, कितने टीथ हैं, 28। जो इसमें दे रखा है बॉक्स में, उसमें से देख के हम फिल कर रहे हैं, आई हैव 28 टीथ। ओके, द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, ये प्लस हो गए कंप्लीट। ओके, अब इसमें लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, सर्किल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको हमें क्या करना है, सर्किल करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, फर्स्ट है मीता हैज़ लॉन्ग हेयर, तो लॉन्ग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो मीता के बालों के बारे में बता रहा है कि वो कैसे हैं, लंबे हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग को हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। ठीक है, दे हैव ए न्यू कार, दे हैव ए न्यू कार, इसमें देखिए कार के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, ये न्यू, कार से पहले आ रहा है न्यू, कैसी ये कार, न्यू है ना। माई स्कर्ट इज पिंक, स्कर्ट कैसी है, पिंक। नेक्स्ट है दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो फ्लावर कैसा है, ब्यूटीफुल है फ्लावर, है ना। ही हैज़ 10 रुपीज़, उसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपीज़। तो यहाँ पे जो 10 है वो
रुपीस की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पे टैन क्या है, एडजेक्टिव है। माई स्किन इज सॉफ्ट, तो यहाँ पे सॉफ्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई हैव स्ट्रॉन्ग स्टिक, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ही हैज़ टू टिनी किटीज, तो यहाँ पे हम किसको सर्कल करेंगे, टू को। कोई भी नंबर अगर होता है, वन टू थ्री, अगर किसी नाउन से पहले आ रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव का काम करता है। ओके, तो यह हो गया आपके बी वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे सी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का यूज़ करके हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ऊपर लिखा है द वुमैन हैज़ लॉन्ग हेयर, तो हमें यहाँ पे वुमैन के लिए कोई वर्ड ढूंढना है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव ढूंढना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यंग वुमैन लिख सकते हैं, वाई ओ यू एन जी, यंग वुमैन। द यंग वुमैन हैज़ लॉन्ग हेयर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते, सेकंड वाला है पुट सम लीव्स इन द बास्केट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट सम ग्रीन लीव्स, है ना, हरी पत्तियाँ इन द हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बिग बास्केट लिख सकते हैं, बड़ी बड़ी टोकरी में रख दीजिए, बिग बास्केट, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे कोई भी कलर भी लिख सकते हैं, जैसे हम अगर हम लिखना चाहें येल्लो ब्लू, ठीक है, येल्लो बास्केट, या ओके, दोनों कुछ भी चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द कार इज़ पार्क्ड नियर द बस, तो हम यहाँ लिखेंगे द रेड कार इज़ पार्क्ड नियर द ब्लू, नियर द ब्लू बस, नियर द ब्लू बस। ओके, नेक्स्ट है देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन द रूम, तो देयर आर हम यहाँ लिख सकते हैं 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन द रूम। ओके, नेक्स्ट है द एप्पल्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, तो लिखेंगे द, यहाँ पे लिख सकते हैं हम द थ्री एप्पल्स आर फॉलिंग ऑन द मडी, मडी होता है गंदा, ठीक है, जैसे आपने कीचड़ इसको बोलते हैं, मड बोलते हैं कीचड़ को, गंदा हो रहा होता है तो उसको मडी बोलते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी बुक में फिल करना है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके, और एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है विदाउट एनी मिस्टेक, एंड योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।